हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो आया है गोलान हाइट्स को लेके। इसके बारे में हमने कभी आपको बताया कि सैटरडे को आर्टिकल भी डिस्कस किया था गोलान हाइट्स को लेके ही। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि गोलान हाइट्स है वो एक फर्टाइल वोल्केनिक प्लेटू है जो कि इसराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इससे है वो सीरिया के द्वारा ऑक्यूपाइड है वो किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गोलान है वो इस एरिया का एक तरीके से वाटर सप्लाई का मेन की है, चाबी है, जो कि बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में एक इश्यूज़ बना हुआ है। हमें यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो, जैसा हमें पता है कि गोलान हाइट्स है वो मेनली हिस्सा किसका था, सीरिया का हिस्सा था। और इसे 1964-67 उनके टाइम पे जब वार हुआ था सीरिया और इसराइल के बीच में, तो इसराइल ने इसे हड़प लिया था। तो ये ऑक्यूपाइड किसके द्वारा किया गया है, इसराइल के द्वारा ना कि सीरिया के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला और तीसरा दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका जो काम है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, कॉपीराइट मटेरियल हो गया या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। हमें यहाँ पे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, जैसा हमें काफ़ी बार डिस्कस किया है कि WIPO है यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ना कि नीदरलैंड में। तो इसका सेकंड ऑप्शन वो यहाँ पे गलत हो गया है। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आटाकामा डेजर्ट। आप एक बार सोचिए माइंड में कि आटाकामा डेजर्ट है कहाँ पे। आटाकामा डेजर्ट है देखो साउथ अमेरिका में। आपको पता होगा साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे पेरू करंट फ्लो करता है उस वाले एरिया में है आटाकामा डेजर्ट, और यह कोल्ड डेजर्ट। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और सेकंड भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक टर्म है जिसका नाम है यहाँ पे होलाक्रेसी। होलाक्रेसी है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो देखो, इसमें आपको UPSC एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती है, बट हमें इसका सही मीनिंग बताना चाहिए। होलाक्रेसी का मतलब एक तरीके का मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि इम्पावर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई विदाउट मैनेजर वो खुद को सेल्फ मैनेज है वो कर सके। मतलब बिना मैनेजर के जो लोग वहाँ पे काम करें वो अपने आप को सेल्फ मैनेज करके उस ऑफिस को या उस मैनेजमेंट को कंटिन्यू है वो रख सकें, उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है होलाक्रेसी। मतलब खुद ही अपने आप में मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर बनके मैनेजर का रोल वो खुद ही निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनको एक तरीके से ऊपर से ड्राइव कर रहा है या मैनेजर का काम कर रहा है, खुद ही बिना मैनेजर खुद ही सेल्फ मैनेज है वो कर रहे हैं, उसको कहा जाता है होलाक्रेसी। तो ये हमें टर्म है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लीमा 2019। तो देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है लीमा 2019 में, जो कि इंटरनेशनल मेरीटाइम एरो एक्सपो है और फर्स्ट टाइम इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ IAF यानी इंडियन एयरफोर्स इन लिमा 2019 इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एयर वॉरियर टू इंटरेक्ट विद अदर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। मतलब इंडिया और मलेशिया की जो एयरफोर्स है उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंट्रैक्टन है वो यहाँ पे होगा। हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, वैसे आपको बताऊँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में एक आर्टिकल भी आ जाए है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लीमा का मतलब है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम एरो एक्सपो है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बेसिकली आपको मैं बता दूँ कि जो ये इंटरनेशनल मेरीटाइम एरो एक्सपो, इसमें क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स और इसी के साथ ही जो मलेशिया के एयरफोर्स है उनके बीच में एक तरीके का यह आयोजन है वो किया गया। तो ये ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स है वो पहली बार इस मेरीटाइम एयर एक्सपो में पार्टिसिपेट है वो कर रही है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। इसका फायदा ये होगा कि इंडिया की एयरफोर्स है वो मलेशिया की एयरफोर्स से कुछ प्रैक्टिसेस है वो सीखेगी, और मलेशिया की एयरफोर्स है वो इंडिया की एयरफोर्स से कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिसेस वगैरह सीखेगी। तो दोनों की जो क्वालिटी एफिशिएंसी है उसमें एक तरीके से विस्तार है वो होगा। तो ये कुछ इसको लेकर इफेक्ट है वो है। और आयोजित कहाँ पर हो रही है, ये आयोजित हो रही है मलेशिया के लांगकावी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इसके फुल फॉर्म यहाँ पे थी, एल का मतलब था लांगकावी, आई का मतलब इंटरनेशनल, एम का मतलब मेरीटाइम और ए का मतलब है एरो एक्सपो। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो हमें इसके बारे में फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंड AS को लेके। देखो, INDAS है वो आपको बताऊँ कि यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है।
अगर सीधी सी लैंग्वेज में हम बात करें मोटा मोटा समझने के तौर पे, तो देखो जिस तरीके से आपको पता है कि हर लेवल पे, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप कि फ़ोन के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है, उसी के ऊपर फ़ोन काम करता है, जैसे कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है या फिर iOS प्लेटफॉर्म है, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जो ऑपरेशन सॉरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर ही फ़ोन बेसिकली काम करता है। तो इसी तर्ज पे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इसके अंदर भी तरह तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एक जो नया स्टैंडर्ड है अभी लेटेस्ट, इसका नाम है IND AS। तो वैसे तो इसको 2016 अप्रैल में इंप्लीमेंट करना था इंडिया के द्वारा, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो उसकी वजह से इंडिया इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। और अभी 2019 अप्रैल की बात थी, बट अभी गवर्नमेंट ने 2019 में भी इसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई 2019 अप्रैल तक भी इसे अब एक तरीके से मतलब अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे, हमें और थोड़ा टाइम है वो लगेगा। तो हमें UPSC IND AS के बारे में पूछ सकते, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इंडियन जो सॉरी अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो है ये। तो UPSC इसके बारे में भी कभी एग्जाम में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। देखो कंटेक्स्ट यह है कि इटली है वो G7 में से एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन है वो यहाँ पे किया है। तो मतलब G7 में देखो पहले बताऊँ, G7 में 8 कंट्रीज थी पहले, सो G8 था पहले ना कि G7। तो इसमें G8 में रसिया था, बट बाद में रसिया ने क्या किया था, क्रीमिया को हड़पने का इशू लगा था, तो उसके बाद में G8 में से रसिया को बाहर निकाल दिया गया और फिर बना था G7। तो G7 में अगर सीधी सी बात कहूँ तो जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है वो आती है मेनली, जैसे कि US हुआ, फ्रांस हुआ, UK जैसी है, ये कंट्रीज आती हैं। तो जो इटली है वो भी एक तरीके से G7 में ही है, और इटली ने भी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे ज्वाइन किया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो बेल्ट एंड जो रोड सॉरी बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है ना, यह ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है ना, मतलब हम बात करें इंडिया के नज़रिए से कि सब साउथ ईस्ट इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को यूरोपियन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना इसका मेन मोटो है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेन मोटो ये है कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी है उसको यूरोपियन इकोनॉमी सर्किल के साथ कनेक्ट है वो करना है, मतलब कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका इन तीनों कॉन्टिनेंट को हम एक तरीके से कनेक्ट करते हुए चलना है। हम बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में और फैक्ट की, तो यह वर्ल्ड की लगभग 65% जो पॉपुलेशन है इसको मतलब एक तरीके से साथ लेके चलते हैं। इसके साथ ही 60% वर्ल्ड की GDP को रिप्रेजेंट करते हैं, और लगभग 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और 6 से ज़्यादा इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें बनाए जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको मैप में। देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा चाइना, और यहाँ से स्टार्ट इसके तरह तरह के इसमें प्रपोजल हैं। जैसे एक तो देखो यह मलेशिया से लेके यहाँ पे मलक्का स्टेट से होते हुए श्रीलंका, फिर कोलकाता से ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है जो कि देखो यहाँ पे इटली में जाके मिलेगा। तो एक तो ये इसका रूट है। इसके साथ ही एक रोड और यहाँ पे जिसको मेनली हम बात करें यहाँ पे जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि यहाँ पे जियान जो चाइना का एक प्रोविंस प्रांत है वहाँ से स्टार्ट होते हुए फिर यहाँ पे तजाकिस्तान से होते हुए और ये मॉस्को से होते हुए फिर यहाँ पे नीदरलैंड तक है जा रहा है, मतलब हम एक तरीके से बोले तो यूरोप तक कनेक्ट है वो हो रहा है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखो एक दो तीन सॉरी जो दो तीन छोटे छोटे फैक्ट भी हैं, जो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो देखो ये रहेगी यहाँ पे ग्वादर से लेके इस्लामाबाद, फिर यहाँ पे कासगर। तो ये आपको लोकेशन थोड़ी इसके पता होना चाहिए, कासगर से देखो ये इस्लामाबाद जाता है, तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से जा रहा है, इसलिए इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दिक्कत है हुआ है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मोटो ये है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको इस वाले हिस्से से कनेक्ट करना है। अब इसके तरह तरह के मेथड हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे आप सिल्क मेरीटम जो मेरीटाइम रूट है इसको ले सकते हो, या फिर यहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इसी का एक हिस्सा है। इसी के साथ ही जो यहाँ पे दूसरा हिस्सा हो गया जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, वो जो पुराना सिल्क रूट था वो हो गया, जो कि पूरा लैंड रूट से आप देख रहे हो। तो इस तरह इसमें तरह तरह के बेल्ट हैं वो बने हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या आखिर। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि चाइना है वो यहाँ पे देखो ये जिबूटी एक कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो जिबूटी कंट्री है यहाँ पे चाइना है वो एक अपना मिलिट्री बेस भी बना रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता होगा कि USA का नेवी बेस ऑलरेडी यहाँ पे है। तो चाइना यहाँ पे जिबूटी में अपना नेवल बेस सॉरी जो मिलिट्री बेस है वो बनाया था ताकि इस वाले एरिया में सिक्योरिटी वो प्रमोट की जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं सोमालिया पायरेट्स उनका काफ़ी खतरा है वो रहता है, जो कि समुद्री सीप वगैरह को लूट लेते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ओरा को लेके। देखो ओरा होता क्या है कि मेनली शाम का टाइम हो या फिर सुबह मॉर्निंग से पहले का टाइम हो या फिर नाइट का टाइम हो, उस टाइम पे आकाश में कुछ इस तरीके की लाइट है वो दिखाई देती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह की ऐसी कुछ लाइट हैं। ये मेनली होती कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये देखो पाई जाती हैं मैं अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले हिस्से में ही पाई जाती हैं। वहाँ पे हाई लेटिट्यूड होता है इसलिए वहाँ पे क्लियर वो अच्छे से दिखाई देती हैं। नॉर्थ जो पोल है इनमें इनको बेसिकली ओरा
बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, और साउथ पोल के अंदर मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस वाले हिस्से में इन्हें ओरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बनती कहाँ कहाँ पे है। तो मेरे लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले हिस्से में ही बनती हैं, यानी कि आर्कटिक सर्किल वाला हिस्सा या फिर नीचे बात करें हम अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उस वाले हिस्से के में। इक्वेटर वाले एरिया में बहुत कम ही या बहुत देखते से डिम लाइट में दिखाई है वो देते हैं कभी कभार, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई ये ओरा है ये बनता किस तरीके से है। देखो जो अरोरा सॉरी जो अरोरा या जो ओरा के नाम से इसे जानते हैं इसके बनने का वैसे आप एक मेथड ध्यान रखना कि जैसे ये होगी हमारी अर्थ, तो अर्थ के आपको पता है कि चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये होगा भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हो गया सन, तो आपको पता है कि सन का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो गया मान लो सन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है कि जब सन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि वो लाइटें हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, और उसी के फलस्वरूप हमें ऐसी लाइट है वो देखने को मिलती है, इस तरीके की लाइट है वो देखने को मिलती है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और सन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में जब इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जेशन होता है तो इस जैसे दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना है कि सन से इलेक्ट्रॉन सन के जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो इलेक्ट्रिकल जो शेप शेप है या इलेक्ट्रिक हम बोल सकते हैं कि जो सन का जो इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा है इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराता है, तो उसके फलस्वरूप ये हमें दिखाई है वो देते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रिज्मा को लेके। देखो प्रिज्मा है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो किसका है, यह आपको ध्यान में रखना है मेनली, यह इटालियन जो इटालियन स्पेस एजेंसी है उसका है। बस ये छोटा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रिज्मा इंडिया का नहीं है ना ही रसिया का है ना ही यूएसए का है, यह इटालियन स्पेस एजेंसी का है जिसका काम क्या है, इसका काम यही है स्पेस में जाके इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग करना, इसके साथ ही रिसोर्सेज मैनेजमेंट हुआ पॉल्यूशन वगैरह हुआ क्रॉप हेल्थ हुआ इनके ऊपर फोकस ये करेगा, बस इंडिया का नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।